स्टूडेंट, टुडे इज योर क्लास 9th एंड सब्जेक्ट SST पार्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो बेटा, आज आपको मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है, यहाँ बताए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अर्थव्यवस्था। तो हम अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बात करेंगे, जितनी भी इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहानी किस गांव की है, पालमपुर गांव की। एक कहानी के बारे में इसमें बताया गया, पालमपुर एक काल्पनिक इमेजिन बताया गया है इसमें, पालमपुर को रख के कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे कैसे चलती है, किस प्रकार की है, किस पे आधारित है, सब कुछ आपको इस कहानी में मिलेगा, ठीक है। तो आइए ओवरव्यू देखें, अवलोकन में आइए बेटा। द पर्पज, इस स्टोरी का पर्पज क्या है, क्या इंट्रोड्यूस करना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से यानी निर्माण उत्पादन से। एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। और हम लोग इसी बुनियादी अवधारणा पे एक काल्पनिक रूप से एक गांव की बात करते हैं, पालमपुर की, ठीक है। तो देखिए बेटा, फार्मिंग यानी कृषि इज द मेन एक्टिविटी था, कहाँ का, पालमपुर का, यानी कृषि मेन एक्टिविटी था। जहाँ पे कुछ एक्टिविटी और भी हैं, और ये एक्टिविटी स्मॉल स्केल पे यानी छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, निर्माण, और डेयरी भी था, ट्रांसपोर्ट भी था, यातायात व्यवस्था एक्सेट्रा, यानी बहुत कुछ, आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। और ये सब किस पे थे, लिमिटेड स्केल पे थे, यानी कम पे। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इन प्रोडक्शन को क्या चाहिए, नीड वेरियस टाइप्स, कुछ रिसोर्सेस यानी स्रोत के लिए, कुछ वेरियस टाइप्स, बहुत सारे इसको एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में रिसोर्सेज चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, ये सब। यानी आपको जब कुछ बेटा बनाना हो, तैयार करना हो, तो आपको सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे जगह चाहिए, नेचुरल सामान चाहिए, रॉ मटेरियल्स, मैन मेड आइटम्स चाहिए, आदमी, ह्यूमन एफर्ट चाहिए, आदमी का, इंसान का कितना एफर्ट है उसमें, और मनी, और मनी बहुत कुछ, तो ये सब चाहिए ना। अब देखिए, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी, और हम लोग जब पालमपुर को पढ़ते हैं, तो वी लर्न, तो पढ़ते हैं कि हाउ, कैसे रिसोर्सेस, कैसे इन रिसोर्सों को कंबाइन किया गया, किसके लिए, प्रोड्यूस के लिए, और क्यों, डिजायर गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज, कि उस गांव में जो चीज़ें चाहिए थी, अच्छी कि नहीं, डिजायर्ड जो चीज़ें, सामान चाहिए थे, उसको कैसे प्रोड्यूस किया गया, कंबाइन रिसोर्स करके, कैसे वो लोग अपने लिए स्वयं बनाए अपना सब कुछ। अब इंट्रोडक्शन, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड, पालमपुर किससे कनेक्टेड था, नेबरिंग विलेज एंड टाउन, या विलेज गांव से और शहर से कनेक्टेड था। रायगंज और विग विलेज, रायगंज एक बहुत बड़ा गांव था, इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, और ये पालमपुर से कितना दूर था, 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखिए, रोड कनेक्टेड, बहुत सारे रोड कनेक्टेड थे विलेज के रायगंज से, एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, और एक स्मॉल टाउन भी बगल में था, कि उसका क्या नाम था, शाहपुर ना। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट, अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट थे, जो क्या थे, विजिबल ऑन दिस रोड, इस रोड पे दिखाई देते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी, तांगा, बॉगीज क्या होता है, वुडन कार्ट, लकड़ी का, जिसको कौन खींचता है, बफेलो, ठीक है, लोडेड विथ जैगरी, और एक किससे लदे होते थे, जैगरी यानी गुड़ से, ठीक है, और बहुत सारे अदर कमोडिटी टू मोटर, और बहुत सारे व्हीकल भी अलग अलग थे, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ये सब, मिनी ट्रक्स। दिस विलेज हैज अबाउट, इस विलेज में कितने लोग रहते थे, 450 फैमिलीज थी, बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट, जो अलग अलग कास्ट से डिफरेंट थी, 80 अपर कास्ट फैमिली इसमें थी, जिनका इस गाँव में मेजोरिटी था। द हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, हाउसेस कुछ बड़े बड़े थे, आर मेड ऑफ ब्रिक, और कुछ जो ईंटे से बने हुए थे, सीमेंट प्लास्टिक से,
और एससी के और दलितों के घर कैसे होते थे, कंप्राइज 1/3 ऑफ द, अगर उनसे कंप्राइज किया जाए यानी तुलना किया जाए तो पॉपुलेशन, इनकी तुलना अपर कास्ट से एससी कास्ट कितनी जनसंख्या थी, 1/3 थी, एंड लिव इन द वन कॉर्नर, अब और एक गांव के कॉर्नर में रहते थे। एंड इन, अब देखिए, एंड इन मच स्मॉलर, और इनके छोटे छोटे घर थे, ठीक है, विच आर मट, जो किससे बने हुए होते थे, जो किससे बने हुए थे, उससे किससे बने हुए थे बेटा, जो क्या कहते हैं उसको, घास फूस और लकड़ी से, ठीक है, इससे बने होते थे इनके घर ना। अब आइए फिर उसके बाद देखिए बेटा इसमें क्या है कि, और यहाँ भी देख लीजिए स्ट्रोमिस क्या होता है, पुआल, तो इससे बने होते थे, तो घास फूस पुआल से ही तो बने होते हैं और लकड़ी से, मोस्ट ऑफ हाउसेस, और ज़्यादातर घर देखिए किससे बने होते थे, ज़्यादातर घर में बिजली कनेक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी पावर था, ठीक है, जो कि स्मॉल बिजनेस में लोग यूज करते थे। पालमपुर हैज़ टू प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल था यानी 10th का। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था, जो किसके द्वारा चला जाता था, गवर्नमेंट के द्वारा, और एक प्राइमरी और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी यानी मेडिकल शॉप, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोग का इलाज किया जाता था, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ, यहाँ पे पालमपुर में पालमपुर बहुत अच्छा वेल डेवलप था, यहाँ पे रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, सिंचाई व्यवस्था, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर बहुत अच्छे थे, ठीक है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विथ दीज इन योर नियर बाई विलेज, आप भी कंपेयर कर सकते हो अपने नियर गाँव से, ठीक है। द स्टोरी, अब आप देखते रहिए, कहने का मतलब है बेटा अपने गाँव की इससे तुलना करिए, अपने गाँव शहर की कैसा ये है, कैसा हम। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, मैंने पहले कहा था काल्पनिक गांव है की कहानी है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट प्रकार से प्रोडक्शन एक्टिविटीज को दिखाया गया है इस गांव में, इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इस विलेज की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या थी, फार्मिंग। दीज अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कुछ अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में भी कुछ हैं, जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या कहते हैं, जैसे जरूरी नहीं है सभी लोग फार्मिंग में ही हों, तो उसमें कुछ और भी कार्यों में लोग थे, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग बनाने में थे, ट्रांसपोर्ट में, शॉपकीपिंग में, एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। वी शैल टेक अ लुक, तो हम लोग क्या देखेंगे कि बहुत दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पे ये सब इन टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं, आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, आफ्टर लर्निंग कि सीखने के बाद इन दोनों की गतिविधियों पर एक नज़र डालेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो बेटा देखते हैं अब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन का संगठन, प्रोडक्शन में उत्पादन और ऑर्गेनाइजेशन में संगठन। तो देखिए द एम ऑफ प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन का मेन लक्ष्य क्या था कि प्रोड्यूस करना क्या, गुड्स एंड बहुत सारे सर्विस जो वो चाहते थे, वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगा बेटा कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट में क्या है कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, यानी प्रोडक्शन में 4 रिक्वायरमेंट, 4 चीज़ें आवश्यक रूप से चाहिए, किसके, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में 4 रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। अब देखिए कैसे, द फर्स्ट में क्या है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे एग्जाम्पल वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। सेकेंड में क्या है, लीवर है, पीपल हु लिव डू द वर्क, जो वर्क करते हैं, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज, और ये इनका प्रोडक्शन एक्टिविटीज, और कुछ का क्या है, कुछ का रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कुछ उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे थे, टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, जो क्या करते थे, आवश्यक कुछ टास्क करते थे जरूरी। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो
वर्क ही करते थे, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो किसी भी प्रोडक्शन में लेबर बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लेबर भी दो प्रकार के बताए गए बेटा, एक बिना पढ़े लिखे और एक पढ़े लिखे। हाईली एजुकेटेड को हाईली वर्क दे दिया गया, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है, द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो तीसरे में क्या है, फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी क्या है कि उत्पादन के दौरान हर स्तर पे कुछ आवश्यक चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आती हैं, अब हम ये देखेंगे। तो फिजिकल कैपिटल के अब ये में देखिए, इसमें क्या क्या आते हैं, टूल्स औजार मशीन बिल्डिंग ये सब आते हैं ना। तो टूल्स एंड मशीन रेंज आप जानते ही हो कि सिंपल टूल्स सच एज अ फार्मर फ्लो टू अब फार्मर। अब इसमें टूल्स में देखिए फार्मर की फ्लो भी दिया गया है, हल यानी। फिर सब्सट्रेटेड मशीन सच एज जनरेटर, कुछ जनरेटर रहेंगे तभी ना बिजली कटेगी तो कैसे यूज करेंगे। टर्बाइंस कंप्यूटर ये सब चीज़ें बेटा। तो एक्सेट्रा टूल्स मशीन बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग कैन बी यूज, ये यूज हो रहे हैं क्या इन प्रोडक्शन ओवर मेनी बहुत सालों से एंड आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में कौन कौन आएंगे, टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग, ओके। अब बी देखते हैं, बी में क्या है, रॉ मटेरियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। तो अब इसमें क्या है कि कच्चा माल और हाथ में पैसा, मनी हाथ में पैसा प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, और हमें रॉ मटेरियल्स किसी भी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल बहुत यूज बहुत कंपलसरी है बेटा। फिर उसके बाद देखिए बहुत आ सकता है, जैसे कि बुनकर। अब इसमें वेवर में क्या होता है, बुनकर, जैसे कि बुनकर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला क्या क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। पॉटर मीन्स घड़ा, पॉट मीन्स घड़ा, घड़ा होता है तो यूज, तो वो लोग भी यूज करते हैं। तो उसमें यूज करने के लिए क्या चाहिए, पॉटर में यूज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूत वाला सूत और कुम्हार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी, यानी मिट्टी इस्तेमाल हो जाती है। तो मिट्टी किस में आएंगे, रॉ मटेरियल्स तो होगा बेटा, जब रॉ मटेरियल्स नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। और कुछ अदर्स आइटम भी हैं, रॉ मटेरियल्स एंड आइटम्स इन द हैंड आर कॉल्ड, जो रॉ मटेरियल्स और मनी जो हाथ में उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, यानी रॉ मटेरियल्स एंड मनी कॉल्ड आर वर्किंग कैपिटल्स। अब अनलाइक कुछ में है जैसे टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शन, ये यूज होते हैं इस प्रोडक्शन में, ठीक है। देयर इज अ फोर रिक्वायरमेंट टू, अब फोर रिक्वायरमेंट देखिए, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टूगेदर लैंड। चौथे में क्या है कि हमें भूमि श्रम और भौतिक पूंजी की एक साथ रखने में सक्षम होने के लिए ज्ञान और उद्यम की जरूरत होती है, यानी ये सब चीज़ें सही करने के लिए हमें अपने में नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे नहीं तैसे, ठीक है, जिसका आउटपुट रिजल्ट निकले। और टू सेल इन द मार्केट, और ऐसी जगह पर हम ये मार्केट लगाएँ, ऐसी जगह पर कंपनी लगाएँ जो मार्केट से आसान हो, ऐसा नहीं कि बहुत दूर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाए या कच्चा माल वहाँ पे ना पहुँच पाए, तो ये सब भी बेटा देखना पड़ता है। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन, तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल, तो इसको ह्यूमन कैपिटल का नाम देते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल को, ठीक है। अब आइए देखते हैं इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर में है, देखिए कैसे काम वर्क कर रहे हैं ये लोग। एवरी प्रोडक्शन में भी है कुछ लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना। एज वी रीड, हम पालमपुर को पढ़ रहे हैं, वी लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट दीज फैक्टर्स, हमें इस फर्स्ट थ्री फैक्टर्स को पढ़ा, प्रोडक्शन के फर्स्ट थ्री फैक्टर को। फॉर कन्विंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर, तो वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल
एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो हम लोग इसी चैप्टर में पूंजी के रूप में आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। अब फार्मिंग इन पालमपुर, अब देखिए पालमपुर की कृषि, लैंड इज फिक्स्ड यानी जमीन भी हमें आवश्यक है। अब देखिए हम पहले पहले से बांटते चलेंगे। तो फर्स्ट का फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन, किसी भी फार्मिंग मेन प्रोडक्शन पालमपुर का है। 75% पालमपुर के वर्किंग करते हैं इसमें। द वेल बींग दीज पीपल क्लोजली रिलेटेड, यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्शन फार्म से रिलेटेड है, कृषि से। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, यहाँ पर फार्म प्रोडक्शन भी हो रहा है। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स, लैंड एरिया भी कृषि के अंतर्गत फिक्स है कि किस पे क्या होगा किस पे क्या नहीं। सिंस 1960 से यानी 1960 से पालमपुर में देयर हैज बीन टू एक्सपेंशन इन लैंड। तो देखिए बेटा आप इसमें आते हैं कल्टिवेशन में, मैंने बताया ना कि 1960 के अंतर्गत ही, 1960 के बाद से इसके अंतर्गत क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ था कल्टिवेशन में। तो बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड, कुछ वेस्ट लैंड थे इन द विलेज गांव में, हैज बीन कन्वर्टेड टू, यानी बेकार की ज़मीन थी उसे कल्टिवेटेड में हम कन्वर्ट कर दिया गया। थ्री एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ अंडर कल्टिवेशन के अंतर्गत न्यू लैंड आ गए प्रोडक्शन में। फिर देखिए द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, यानी ज़मीन को किस में नापा जाता था हेक्टेयर में। गांव विलेज इन द मे फाइंड लैंड एरिया बींग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट, लोकल यूनिट्स में क्या कहा जाता था गांव के नाप को, बीघा, फिर गुंथा एटसेट्रा, ठीक है, ये कहा जाता था। उसके बाद स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, एक साइड की क्या 100 मीटर्स, कैन यू कंपेयर द एरिया, क्या आप अपने एरिया को भी कंपेयर कर सकते हैं वन हेक्टेयर, ठीक है। तो ज़मीन की नाप पैमाइश ये बेटा देखते हैं। अब इसमें देखिए ईच सेकेंड में इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो, क्या हम लोग सेम लैंड में एक से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं कैसे। देखिए इन द लैंड ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रो हो रहा है एंड फैसिलिटी इज अवेलेबल, क्रॉप्स ग्रो की फैसिलिटी अवेलेबल है। पालमपुर में रिजन वाला विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पालमपुर क्या है, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट, यानी उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, ऑल लैंड सारे लैंड पालमपुर के क्या है कृषि। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई लैंड नहीं छोड़ी गई है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन यानी खरीफ में फार्मर्स ग्रो क्या ज्वार एंड बाजरा को ग्रो करते हैं, ठीक है, और कैटल भी फीड भी करते हैं, कैटल फीड यानी पशुपालन वाले। इट इज फॉलोड बाई कल्टिवेशन और कुछ पोटैटो, अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटो की खेती होती है। इन द विंटर सीजन यानी रबी में वीट की खेती होती है, ठीक है, वीट की वीट प्रोड्यूस होता है फार्मर की, फार्मर अपने पास वीट फॉर द फैमिलीज के लिए कंजप्शन यानी संरक्षण करता है अनसेल, और कुछ रखता है फैमिली के लिए और कुछ बेच देता है सरप्लस जो अधिक होता है फैमिली के खाने से अधिक, उसको मार्केट में, किस मार्केट में, रायगंज की मार्केट में बेच देता है। अ पार्ट ऑफ द आइलैंड एरिया, और कुछ शुगर केन की भी खेती होती है यानी गन्ने की जो हरवेस्ट एवरी ईयर शुगर केन, इट्स रॉ फॉर्म, शुगर केन से क्या मिलता है, शुगर केन रॉ है कच्चा पदार्थ है ना, कच्चा माल, तो इससे जौगरी मिलता है, गुड़ इज सोल्ड टू, ये भी शाहपुर के मार्केट में बेचा जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो, क्या मेन रीजन है कि ग्रो करते हैं क्रॉप्स इन ईयर इन पालमपुर, पालमपुर में कि खेती होती है अच्छे से, क्या रीजन है, वेल डेवलप, क्योंकि वो वेल डेवलप है किस में, सिंचाई में। तो इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में है। इट्स मेजर इम्पैक्ट यानी ये सब इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी ये सब भी तो मेन पार्ट्स हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालम, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज द ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, ये इरीगेशन के सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। देखिए पर्सियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ड्वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। तो देखिए कुछ क्या है, कुछ व्हील्स के द्वारा भी सिंचाई होती है। टिल द यूज्ड बाय द फार्मर्स, जो कि फार्मर्स यूज करते हैं ड्रॉ वाटर और उस पानी को खींचते हैं कुएं से
एंड इरीगेट और अपने सिंचाई करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, वेल्स, पर्शियन वेल्स कहते हैं बेटा, जो इसमें लगा होता है कुएं में डिब्बा डिब्बा उस टाइप से खींचता है, ठीक है। तो पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, पीपल क्या करते हैं इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स भी चलाते हैं ट्यूबवेल्स। तो देखिए बेटा इसमें क्या है, लार्जर एरिया ऑफ लैंड काफ़ी एक्टिविटली होती है, प्रभावित होती है, इफेक्टिव होती है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स, कुछ ट्यूबवेल्स में इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगाया है, कुछ किसानों ने अपने से ट्यूबवेल लगाया है। 1970 यानी 1970 से ही कल्टिवेटेड हो रहा है 200 हेक्टेयर सिंचाई से। तो नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल इरीगेशन, विलेज इंडिया के विलेज में हाई लेवल की इरीगेशन नहीं है हर जगह पे। तो क्या है, कहीं कहीं प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इस तरीके से खेती हो रही है, तो अलग अलग चीज़ों से फिर ठीक है। तो इसमें देखिए प्लेटू है अवेलेबल ऑफ इरीगेशन, कुछ प्लेटू हैं यानी ज़मीन एक जैसे ना होने की वजह से सिंचाई में बड़ी दिक्कतें आ रही, बाधाएं आ रही, ठीक है। तो अब आइए, तो कुछ डिपेंड किस पे है, रेनफॉल पे ही है। टू ग्रो, अब यहाँ पे देखिए टू ग्रो देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ नोन है मल्टीपल क्रॉपिंग, कुछ मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, जैसे इसमें बहुत सारी क्रॉपिंग, जैसे एक ही खेत में दो तीन फसलें, इट इज़ द मोस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, ये लैंड पे निर्भर करता है। ऑन फार्मर्स, ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो, सारे पालमपुर के किसान क्या करते हैं, टू मेन क्रॉप्स, दो मेन क्रॉप्स की खेती करते हैं, और तीसरी क्या है, पोटैटो, पोटैटो की थर्ड रूप से खेती होती है 15 सालों से, ठीक है। तो ये है बेटा, तो अब हम 4 पेज नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अब इतना आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।